चैप्टर 4 लेसन 2 रेशो का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है 2 का ऐसा टेबल पढ़ें कि यहाँ पे 4 मौजूद है। यानी अगर मैं 2 और 4 को देखूँ, 2 में आखिर मैंने ऐसा क्या किया तो ये 4 हो गया। यानी 2 को मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 4। तो इसका मतलब है जो काम मैंने यहाँ से यहाँ तक में, वही स्टेप यहाँ से यहाँ तक में आएगा। यानी मैं 9 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। यानी 9 2 8, यहाँ आ जाएगा आंसर 18। इसी तरह यहाँ पे 5 है, नहीं मालूम हमें यहाँ क्या आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर मौजूद है और उसके भी यहाँ पे इज इक्वल टू मौजूद है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4। यानी 3 4 12, इसका मतलब है 5 को भी मैं यहाँ तक जब लेके आऊँगी तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूँगी और उसके बाद यहाँ पे 5 4 20 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 मौजूद है, 6 यानी 6 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। 6 3 18, तो इसी तरह 3 को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इस 4 को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। यानी इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को भी और इस नंबर को भी। यानी अब मैंने 6 से 3 से देखा तो 6 3 18 आया, अब यहाँ 3 है तो 3 3 9, 4 4 3 4 3 12। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर मौजूद है, मिड का नंबर और ये दो नंबर टैली कर रहे हैं। 2 का कौन सा ऐसा टेबल पढ़ूँ कि 14 आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 7। इसका मतलब है ये दोनों नंबर भी 7 से ही मल्टीप्लाई होंगे। यानी 8 7 56, इसी तरह 7 7 49।